देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में, जिसमें हम आपको सेहत से जुड़ी जानकारियों के बारे में बताते हैं। आज हम हेल्थ मंत्रा में स्तनपान को लेकर चर्चा करेंगे। स्तनपान, ब्रेस्ट फीडिंग, इसके बारे में तो सभी जानते हैं, पर आज इसको लेकर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ महाप्रबंधक बाल स्वास्थ्य एवं किशोर स्वास्थ्य डॉक्टर वेद प्रकाश हैं, जिनसे हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। सर, जैसा कि आप जान रहे हैं, आज हम स्तनपान को लेकर चर्चा करने वाले हैं, तो मेरा पहला सवाल आपसे है कि स्तनपान का महत्व क्या है? बच्चे के स्वास्थ्य के लिए और उसके सर्वाइवल के लिए बहुत ही आवश्यक है कि उसको सही तरीके से स्तनपान कराया जाए, सही समय तक स्तनपान कराया जाए। और न केवल बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, बल्कि जो वो बड़ा होकर एडल्ट बनेगा, उसका स्वास्थ्य एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में ग्रो हो, इसके लिए भी आवश्यक है कि उसको सही प्रकार से स्तनपान कराया जाए, इसका उसको लाभ मिले। सर, ये ब्रेस्ट फीडिंग एक नॉर्मल प्रोसेस है, तो क्या इसमें भी कोई कमी रह जाती है? जी हाँ, देखते हैं कि आजकल चाहे रिच परिवार की महिलाएं हो या गरीब घर की महिलाएं हो या काम करने वाली महिलाएं हो या घर पे रहने वाली, प्रायः इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो स्तनपान कराते भी हैं तो पूरी तरह से नहीं कराते हैं, उसमें काफ़ी सारी कमी रह जाती है। जैसे कि जन्म के तुरंत बाद जल्दी से जल्दी स्तनपान कराना शुरू करना चाहिए और 6 माह तक केवल स्तनपान कराना चाहिए, इन दोनों में कमी रह जाती है। तो हमारे प्रदेश में अगर देखें तो लगभग 24% ही बच्चे ऐसे हैं जिनको जन्म के 1 घंटे के अंदर स्तनपान करा दिया जाता है, अन्य विलम्ब हो जाता है। और केवल 60% ही ऐसे बच्चे हैं जिनको 6 माह तक केवल स्तनपान कराया जाता है, यानी कि कुछ ना कुछ और उसको पिला दिया जाता है। तो ये जो लापरवाही होती है, जिसको अक्सर हम लोग उतना इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं, तो इस लापरवाही से बच्चे को काफ़ी नुकसान होता है और उसके डेथ के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। हम आप जानते हैं कि जो हमारे नवजात शिशु हैं उनमें से कुछ की डेथ भी हो जाती है। तो जो 1 माह तक जितनी मृत्युएँ होती हैं बच्चों की, अगर 6 माह तक केवल स्तनपान कराया जाए तो ये बच्चों की जितनी डेथ है इसको 50% कम किया जा सकता है, और अगर ना कराया जाए तो ये 2 गुना करीब अधिक मृत्यु हो सकती हैं। तो इस तरह से उसकी मृत्यु को कम करने के लिए भी अच्छा तरीका है, और बहुत से और भी फायदे हैं जो भी हम लोग आगे चर्चा कर सकते हैं। सर, आप एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं, तो जन्म के कितनी देर बाद बच्चे को स्तनपान कराना सही होगा? जन्म के बाद जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्तनपान करा देना चाहिए, और 1 घंटे के अंदर तो अवश्य ही करा देना चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि खासतौर पे जो ऑपरेशन के द्वारा, सीजीरन के द्वारा जो डिलीवरी होते हैं, बच्चे जन्म लेते हैं, उनमें प्रायः इसको डिले कर दिया जाता है। और एक और बहुत बड़ी घटना होती है कि खासतौर पे जब सीजीरन से बच्चा हुआ तो उसको शुरुआत में बॉटल से फॉर्मूला फीड वगैरह दे दिया जाता है, और कुछ घंटे के बाद या 1 या 2 दिन बाद प्रायः जो है उसको ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कराते हैं। तो इससे काफ़ी नुकसान होता है बच्चे का, उसके डेथ के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जब आप 1 दिन के बाद कोशिश करते हैं उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराने का, तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है, बच्चे के सक करने भी प्रॉब्लम आती है, और माँ का जो दूध बनता है अंदर वो भी कम हो जाता है, बाद में वाकई में इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रारंभ से ही अगर हम लोग शुरुआत से ही ब्रेस्ट फीडिंग ही कराएं और उसको ऊपर से कोई चीज़ ना दें, ना ही बॉटल के द्वारा डब्बे का दूध या बकरी या गाय का दूध या पानी या कोई भी चीज़, तो माँ को भी दूध बनने में समस्या नहीं होगी। लेकिन सर, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे के तुरंत बाद उसको या माँ का दूध नहीं दिया जाता है, बाहर का कोई भी प्रॉब्लम होती है, माँ कमजोर है या कई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, इसको लेकर कुछ जानकारियाँ दे दे हमारे दर्शकों को। जी हाँ, कुछ ऐसी कंडीशन है जिनमें खासतौर पर ये प्रभावित होता है स्तनपान की प्रक्रिया। एक तो जैसे अभी हम लोग सीजन की बात कर रहे हैं, ऑपरेशन के द्वारा जन्म लेने वाले बच्चे, इसी प्रकार से जन्म से कम पे जो बच्चे पैदा हो जाते हैं और जो कम वजन के बच्चे पैदा होते हैं, खासतौर पे 2 किलो से कम वाले बच्चे, तो इनमें प्रारंभ में समस्या आ सकती है। तो लेकिन अब इसमें बड़ी आसानी से हम लोग दूसरा तरीका अपना लेते हैं कि डब्बे का दूध बोतल से पिलाना शुरू कर देते हैं।
तो इनमें भी एक्चुअली संभव है, थोड़ा सा प्रयास किया जाए, मदर्स को जो है थोड़ा सा गाइड किया जाए, सपोर्ट किया जाए, समझाया बुझाया जाए और बच्चे को इस तरह से लगा दिया जाए। यहाँ तक कि सीजरियन में भी अभी जो अच्छे अस्पताल हैं वहाँ पे प्रथा चल रही है कि एक तरफ सीजरियन हो गया है, अभी उसमें स्टिचिंग चल रही है, टाके लग रहे हैं, तभी बच्चे को माँ के ब्रेस्ट पे रख दिया जाता है चेस्ट पे और बच्चा जो है सर करना प्रारंभ कर देता है। अगर हम इसमें डिले करेंगे तो जरूर प्रॉब्लम हो सकती है। अब रही बात जैसे अभी हम कर रहे थे लो बर्थ वेट कम वजन के बच्चे या प्री टर्म बच्चे, उसमें बच्चा हो सकता है दूध को सक ना कर पाए, तो ऐसी परिस्थिति में भी बजाय इसके कि हम बोतल से कोई दूध पिलाएं, सबसे अच्छा तरीका होता है कि माँ के दूध को एक्सप्रेस कर ले, उसको निकालने का तरीका होता है, उसके बारे में माँ को ट्रेन कर दिया जाए और उसको रखा भी जा सकता है, कम से कम 12 घंटे तक आराम से रखा जा सकता है और उसको कटोरी चम्मच से पिलाएं, तो ना तो डब्बे का दूध का इस्तेमाल करें और ना ही बोतल का इस्तेमाल करें, अन्यथा बच्चे के स्वास्थ्य के संबंध में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। स्तनपान से बच्चे को क्या क्या फायदा मिलता है? फायदे ही फायदे, बच्चे के लिए अमृत है ये, और अगर हमने इससे उसको वंचित कर दिया तो उसकी पूरी लाइफ में हमने बहुत सारी जो संभावनाएं थी उनको दूर कर दिया। तो सबसे पहले तो इमीडिएट जो फायदे हैं जो स्तनपान करने के बाद, जैसे हमने कहा कि एक तो डेथ की चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है, दूसरा उसका कंप्लीट न्यूट्रिशन है, कोई भी हम पोषण बाहर से उसको देते हैं, चाहे गाय का दूध हो या हम डब्बे का दूध बनाएं, कितना भी बढ़िया महंगा वाला दूध हो, पाउडर हो, और कितना भी हम उसका कॉन्सेंट्रेशन रखें, बच्चे के लिए बिल्कुल संतुलित आहार और परफेक्ट आहार नहीं हो सकता है। तो प्रकृति के द्वारा बनाया हो गया ये संतुलित आहार है बच्चे के लिए, जबकि इसमें कोई अलग से कॉस्ट भी नहीं आनी है, और सबसे बड़ी चीज माँ और बच्चे के बीच में एक बॉन्डिंग होती है जो पूरे जीवन के लिए ठीक रहती है। और एक बात शायद कम लोग जानते होंगे कि जो बच्चे 6 माह तक केवल स्तनपान करते हैं उनका जो IQ लेवल है वो 6 से 8 अधिक होता है उन बच्चों की अपेक्षा जो स्तनपान नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से जो बच्चा बड़ा होगा तो एक ज्यादा समझदार और इंटेलिजेंट बच्चे के रूप में विकसित होगा, और कौन माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा इंटेलिजेंट हो और अच्छे नंबर लाए, अच्छा ग्रो करे, अच्छा आगे बढ़े, और जीवन पर्यंत जो उसकी स्वास्थ्य होगा उसका, उसके लिए भी लाभदायक है। जैसे स्तनपान करने वाले बच्चों में बड़े होने पे डायबिटीज, हार्ट की डिसीजेस, अस्थमा जो सांस के रोग हैं, इनके होने की संभावना कम हो जाती है। तो बच्चे के लिए फायदे ही फायदे हैं इससे। सर ये तो बच्चे के लिए फायदा हो गया स्तनपान का, लेकिन जो माँ कराती है स्तनपान उसके लिए कितना फायदेमंद है ये? सबसे बड़ी बात तो माँ का बच्चा है, बच्चा ही स्वस्थ रहेगा और जीवन पर्यंत स्वस्थ रहेगा, अच्छा ग्रो करेगा, डेवलप करेगा, तो ये इसका बहुत बड़ा फायदा है। लेकिन पर्सनली अगर इंडिविजुअली देखें, कई बार लोग इसलिए नहीं स्तनपान कराते हैं कि इससे जो है उसके शरीर में कोई निगेटिव इफेक्ट होगा, तो इसका ठीक उल्टा है। सबसे पहली चीज़ तो ये समझना जरूरी है कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो हम देखते हैं कि काफ़ी वेट बढ़ता है माँ का, है ना, उसके अंदर फैट इकट्ठा होता है, तो ये इकट्ठा होता ही इसलिए है, एक प्राकृतिक व्यवस्था है की गई है, क्योंकि जब वो बच्चा होगा तो उसको स्तनपान कराना होगा, तो जो मिल्क बनने के लिए, दूध बनने के लिए उसके अंदर पर्याप्त फैट जो है संचलित हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, और जब स्तनपान वो कराएगी तो धीरे 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 ये कम होगा। तो गर्भ के ये जन्म के बाद बच्चे के जो माँ का वजन कम होना है और जो उसका थोड़ा सा शरीर बेडौल हो गया है उसको वापस सुडौल होना है, इसमें ये बहुत लाभदायक है। जैसे जैसे बच्चा स्तनपान करेगा वैसे वैसे उसका माँ का जो है शरीर वापस एक अच्छी स्थिति में आ जाएगा, उसका वेट कम जाएगा। और 2-3 और बहुत बड़ी चीजें हैं, जैसे कि लेडीज में जो 2-3 तरह के कैंसर होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट का कैंसर, गर्भाशय का कैंसर और ओवरी का कैंसर, इसके चांसेस कम हो जाते हैं अगर बच्चे को माँ स्तनपान कराती है। इस तरह से माओ में जो है अक्सर ऑस्टियोपोरोसिस होती है, हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं, दर्द रहता है, तो स्तनपान कराने वाली माओ में इसका भी चांसेस कम हो जाते हैं, और इस तरह से बहुत सारे लाभ हैं जैसे आपने बताया माँ के लिए भी। जी सर, ऐसा कभी कभी होता है कि माँ को स्तनपान कराने में प्रॉब्लम होती है, इसको लेकर क्या कहेंगे? प्रॉब्लम सबसे पहली चीज तो ये समझना पड़ेगा कि केवल माँ की जिम्मेदारी नहीं है, अक्सर हम लोग माँ के ऊपर ही छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि माँ करा नहीं पा रही, उसको दूध नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले तो अस्पताल में अगर है तो वहाँ पे अस्पताल में जो डॉक्टर हैं, स्टाफ, नर्स हैं और भी सपोर्ट स्टाफ होते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि उसको सपोर्ट करें, खासतौर पर जो पहली बार बच्चा हुआ है तो माँ थोड़ा घबराएगी, उसको कम्फर्ट नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो उसको बताएं कैसे स्तनपान कराना है, और बच्चे की एक पोजिशन होती है जिसमें कि वो अच्छे से दूध पी सकता है और माँ का दूध भी आएगा, तो उसको सही पोजिशन में ला के कि बच्चा स्ट्रेट हो, कम्फर्टेबल पोजिशन में हो, माँ कम्फर्टेबली बैठी हो, बच्चे का जो मुंह है उसके अंदर स्तन अच्छी तरह से अंदर जाए, केवल निपल को सर ना कर रहा हो, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें और उसको एक बार दो बार सपोर्ट करेंगे तो वो संभव हो जाएगा।
दूसरा जैसा अभी एक्सट्रीम कंडीशन में बताइए कि बच्चे का वेट बहुत कम है, सेट नहीं कर सकता है, सीजरियन हुआ है, तो ऐसी परिस्थितियों में ये जो एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क वाला है, यानी दूध को इस तरह से निकाल के रख ले और कटोरी चम्मच से पिलाए, इसका इस अल्टरनेटिव का उपयोग करें, ना कि तुरंत जो है डब्बे का दूध पिलाना शुरू कर दें, जो कि बच्चे के लिए एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है, उससे लगभग कोई फायदा है नहीं। तो इस तरह से उसको सपोर्ट की जरूरत है। और मैं चाहता हूँ कि हर एक माँ को, चाहे शुरुआत में स्तनपान करा भी पा रही है और बच्चा भी शक कर रहा है, लेकिन उसको एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क के बारे में जानकारी दे दी जाए, ये दो कारणों से। क्योंकि बाद में अगर माँ वर्किंग कंडीशन में कैटेगरी की है, कुछ दिन बाद उसको ऑफिस आना पड़ सकता है, काम पे आना पड़ सकता है, तो अक्सर वो जो है शुरू कर देती हैं डब्बे का दूध या बॉटल से फीडिंग, है ना। तो ऐसी परिस्थिति में अगर माँ को बताया गया है तो ये कर सकती है कि सुबह दूध पिलाने के बाद में थोड़ा दूध रख लिया एक साफ डब्बे में, कटोरी चम्मच से दिन में उसको पिला दिया गया। इसी प्रकार से अगर माँ ट्रेवल कर रही है, कहीं लंबे ट्रेवल पे जाना है, बस से ट्रेन से, तो उसमें भी ये किया जा सकता है कि इसको थोड़ा सा स्टोर कर लें, माँ के ही दूध को उसको भी समय से पिलाएं और ना कि किसी और तरीके का इस्तेमाल। सर, प्राइम टीवी के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को इस विषय पर क्या महत्वपूर्ण जानकारियां देना चाहेंगे? जैसा अभी बात हो रही थी, मैं यही चाहूंगा कि हर एक जो बच्चा पैदा हो रहा है उसका जन्मसिद्ध अधिकार है कि उसको स्तनपान का पूरा लाभ मिले। तो ये जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं जिनका अभी बाद में बच्चा होने वाला है, उनको भी पहले से पता होना चाहिए कि जन्म के तुरंत बाद जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसको स्तनपान करा देना है, नंबर एक। दूसरा नंबर पे इम्पोर्टेंट है कि उसको जन्म के तुरंत बाद या 6 माह तक दूध के, माँ के दूध के अलावा कोई भी और चीज ना दी जाए, यहाँ तक कि पानी, शहद या भुट्टी भी नहीं देना है। तीसरी चीज, 6 माह तक बच्चे को केवल स्तनपान कराया जाए, कोई और चीज ना दिया जाए। और चौथी चीज, 6 माह के बाद भी स्तनपान कंटिन्यू किया जाए, यहाँ तक संभव हो सके 2 साल या उसके बाद तक भी, लेकिन 6 माह के बाद में अन्य चीजें भी उसको खाने को दी जाए, जैसा कि अन्नप्राशन के बाद दिया जाता है उसको फल या खिचड़ी टाइप की चीज या खीर, इस तरह की चीजें देना प्रारंभ कर देना चाहिए। धन्यवाद सर तमाम जानकारियों के लिए। तो ये थे डॉक्टर वेद प्रकाश, जिन्होंने स्तनपान को लेकर तमाम जानकारियां दी। आगे फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।